उर्दू डायरेक्टर के मौजूद सामीन अस्सलामुअलैकुम। जैकी चैन 1954 में हांगकांग में पैदा होने वाला ये फनकार, ऐसी ऐसी इसकी बात है, ऐसा ऐसा इसका कारनामा है कि लगता ही नहीं ये इंसान है। जैकी चैन का असल नाम चन कोंग सेंग है। नाम चूंकि मुश्किल था, ये एक ऑस्ट्रेलवी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजमत करता था। इनको ये नाम याद नहीं हो रहा था तो उन्होंने इसका नाम जैकी रख दिया, तो फिर ये जैकी के नाम से ही एक्टिंग की फील्ड में आ गया। जैकी चैन मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टंटमैन के अलावा सिंगर भी है। इसके 20 से ज्यादा एल्बम 5 मुख्तलिफ जबानों में आ चुके हैं, मगर इसकी एक्टिंग सब पे इतनी हावी है कि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं। जैकी चैन नाइट क्लब में बाउंसर भी रहा है, और आपको एक हैरान कन बात बताऊँ कि वहाँ इस क्लब में एक लड़ाई होगी जो बाउंसर का काम होता है, इसकी वजह से इसके हाथ की हथेली की हड्डी टूट गई। 3-4 दिन घर बैठा खुद ही इसको आगे पीछे करके जोड़ता रहा। आखिरकार इसका दर्द नहीं था जा रहा तो क्लिनिक पे गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि हड्डी तुम्हारी ठीक है, जिसको तुमने मारा है इसका दांत टूटकर तुम्हारी हथेली में धंस गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टंट करने का रिकॉर्ड जैकी चैन के पास है, क्योंकि ये अपने तमाम स्टंट खुद करता है। सबसे ज्यादा स्टंट करने के बाद इसका नाम गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। स्टंट करने के वाले से ये इतना खतरनाक है कि इसकी एक फिल्म थी आर्मर ऑफ गॉड, इसकी शूटिंग के दौरान इसने हकीकत में जहाज से गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर छलांग लगा दी बगैर किसी चीज के। इसकी इन हरकतों की वजह से दुनिया की कोई इंश्योरेंस कंपनी इसकी इंश्योरेंस नहीं करती। ये इतना खतरनाक बंदा है कि इसकी स्टंट करते हुए खोपड़ी में प्लास्टिक का प्लग धंसा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि इसको अंदर ही रहने दो, अगर इसे निकाला तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। यकीन माने, ये मार्शल आर्ट में इतनी महारत रखता है कि एक दफा इसने हाथ में अंडा थामकर 12 कंक्रीट के ब्लॉक तोड़े थे और अंडा नहीं था टूटा। 1980 की दहाई में जब इसका अरूज था, क्योंकि इस वक्त मशहूर था कि ब्रूस ली को किसी ने मरवा दिया है, तो ये अपनी और अपने अमले की हिफाजत के लिए गन ही नहीं हर वक्त अपने साथ हैंड ग्रेनेड रखता था। स्टंट में प्रोफेशन का इतना आदी है कि इसकी एक फिल्म थी ड्रैगन लॉर्ड, इसमें इसने एक सीन के लिए 2900 टेक्स दी थी। 2900 दफा वही सीन किया, 2900 रीटेक के बाद इसने कहा कि अब ठीक हुआ है। ये बात बियॉन्ड रिकॉर्ड मौजूद है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जाने वाला फनकार है। एज अ एक्टर कोई बंदा सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो जैकी चैन है, क्योंकि ये अंग्रेजी, जापानी, कोरियन, स्पेनिश, थाई और मैंड्रिन जबान भी जानता है। ऐसा ये अजीम आदमी है कि इस वक्त ये 350 बिलियन डॉलर का मालिक है। इसका एक ही एक बेटा, इसने वसीयत कर दी है कि इसके 350 बिलियन डॉलर में से एक डॉलर भी इसके बेटे को ना दिया जाए, सब गरीब लोगों में और लोगों की खिदमत में दे दिया जाए, इसका बेटा खुद अपने लिए कमाएगा। इस अजीम इंसान के लिए शंघाई में एक म्यूजियम बन रहा है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसमें सारा का सारा जैकी चैन होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।